नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। सरहुल का पर्व, इस पर्व को भारत के मध्य पूर्व में निवास करने वाली मुंडा, राव, हो, संथाल और खड़िया जनजाति के लोगों के द्वारा चैत्र माह में मनाया जाता है। सरहुल अर्थात साल वृक्ष की पूजा। इस प्रकार से साल वृक्ष में फूल खिलने पर इस पर्व को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, अर्थात यह पर्व नव वर्ष के आगमन का प्रतीक होता है और इसीलिए इस पर्व को अलग अलग स्थानों में विभिन्न जनजाति के लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर मनाया जाता है। हाँ, चैत्र माह में ही मनाया जाता है, लेकिन जहाँ झारखंड में इस पर्व को चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरगुजा क्षेत्र में कहीं इसे चैत्र माह के प्रारंभ में तो कहीं इसे चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को चैत्र अमावस्या में नहीं मनाया जाता है। इस पर्व को अलग अलग जनजातियों में अपनी अपनी स्थानीय बोली के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मुंडा जनजाति के लोग इसे सरहुल कहते हैं, तो उड़ाव जनजाति के लोग इसे खद्दी कहते हैं। संथाल जनजाति के लोगों का ये बाव परब पर्व है, तो वहीं पर खड़िया जनजाति के लोगों का ये जकोरिया जाड़कोर पर्व है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से उड़ाव जनजाति के लोग निवास करते हैं। उड़ाव जनजाति की ऐसी मान्यता है कि उनकी आराध्या सरना देवी साल वृक्ष में निवास करती है और इसीलिए इस पर्व के अवसर पर साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष के चबूतरे को सरना स्थल माना जाता है और यहाँ देवी सरना की पूजा की जाती है। देवी सरना के साथ साथ सूर्य, पृथ्वी, वन, जल, वायु अर्थात इन पंच तत्वों की भी पूजा की जाती है और संसार के किसी भी व्यक्ति को इसकी कमी ना हो, इसकी प्रार्थना की जाती है। पूजा के एक दिन पहले ग्राम का पुजारी, जिसे पाहन या बैगा कहा जाता है, ये मिट्टी के तीन घड़ों में पानी भरकर रखता है और दूसरे दिन पूजा के समय इस मिट्टी के एक घड़े के पानी के स्तर को देखा जाता है। अगर इसके पानी का स्तर सामान्य रहा तो आगे आने वाले समय में बारिश के भरपूर होने का पूर्वानुमान लगाया जाता है और अगर इस पानी का स्तर सामान्य से कम हो जाए तो अकाल या सूखा पड़ने की संभावना जताई जाती है। इस प्रकार से प्रकृति के माध्यम से अच्छी फसल के होने या फिर ना होने का पूर्वानुमान लगाया जाता है। फिर उसके बाद रात्रि में पाहन के द्वारा पूजा तक उपवास रखा जाता है। दूसरे दिन सुबह से ही ग्रामीण लोगों के द्वारा जुलूस निकालकर और पूजा से संबंधित सभी सामग्रियों को लेकर सरना स्थल में जाया जाता है। सरना स्थल में पाहन या बैगा के नेतृत्व में विधि विधान से देवी सरना की पूजा की जाती है। उन्हें साल वृक्ष का फूल चढ़ाया जाता है और उसके बाद मुर्गे को सूर्य और काली मुर्गी को धरती का प्रतीक मानकर इनका विवाह रचाया जाता है। इस प्रकार से सूर्य का धरती से मिलन करवाया जाता है। पूजा के अवसर पर कहीं कहीं पांच या फिर कहीं कहीं दो मुर्गे या मुर्गी की बलि भी दी जाती है। फिर उसके बाद नए फसल का अन्न, पत्ते और फल, ये सभी ग्राम देवता पूर्वजों को चढ़ाया जाता है और इसके बाद ही इसका उपयोग ग्रामीण लोगों के द्वारा किया जाता है। इवन सरहुल के पूजा के बाद ही आने वाले फसल का कार्य प्रारंभ होता है, तो इस प्रकार से पूजा संपन्न होता है। इस पूजा के अवसर पर प्रसाद के रूप में बलि दिए हुए मुर्गे और चावल से खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे सूढ़ी कहा जाता है। पूजा के बाद पाहन के द्वारा प्रसाद को लोगों में बांटा जाता है। कहीं कहीं प्रसाद के रूप में चावल से बना हड़िया भी बांटा जाता है और इसके साथ ही लोगों के कान में साल या सखुआ वृक्ष के फूल को खोचा जाता है और फिर उसके बाद अर्थात पूजा की समाप्ति के बाद स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से सरहुल नृत्य किया जाता है।
जहां एक तरफ पुरुष हाथ में मांदर ढोल नगाड़ा लिए वादक के रूप में नृत्य करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर झुककर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में पैरों के थिरकन का विशेष महत्व होता है। नृत्य के दौरान सरहुल गीत गाया जाता है जिसका विषय प्रकृति प्रधान होता है, और फिर पूजा के दूसरे दिन साल वृक्ष के फूलों को विसर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से धरती को समर्पित अर्थात भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए और पेड़ पौधों के नई फसल के सम्मान में छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली मुख्य रूप से उराव जनजाति के लोगों के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले लोक पर्वों के बारे में पढ़ा, इनके सांस्कृतिक धार्मिक और सामाजिक महत्व को देखा। छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को और भी गहराई से जानने के लिए आप कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube से जुड़े रहिए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।